So welcome all of you for this session again. we are in a continuation of 18 entrepreneur habits. all, you can see the qualities required to become an entrepreneur. okay, so we'll jump into the qualities that we are going to learn today. let's start with today. so automation. so what is automation? automation we know. We automate things. so what is automation entrepreneurship? let's read the points and then i can explain. entrepreneurs consistently look for ways to innovate and improve their offerings. okay.

और रिपीटेटिव चीजों को कट करते हैं ऑटोमेट करते हैं प्रोन टू ह्यूमन एरर तो देखो मैन्य चीजें होंगी तो गलतियां भी होंगी हर इंसान से गलती होती है वी कीप मेकिंग मिस्टेक्स वंस वन वन और द अदर टाइप सो द थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अ कंप्यूटर बेटर दे शुड बी डन बाय अ कंप्यूटर एक्चुअली राइट सो दे हैंड इट ओवर टू द कंप्यूटर बाय डिफाइनिंग दैट प्रोसेस बाय अपलाइंग दैट ऑटोमेशन प्रिंसिपल्स बाय पुटिंग मशीन इन प्लेस एंड रोबोट्स इन प्लेस ठीक है फोकस ऑन टास्क दैट कैन बी सिस्टमटाइज विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी क्वालिटी गिराना नहीं है ऑटोमेशन का मतलब कोई ये ना समझ ले कि हाँ ऑटोमेट कर दिया तो फिर क्वालिटी नहीं आएगा अगर ऐसा लग रहा है देन इट इज नॉट ऑटोमेशन और इट इज नॉट राइट ऑटोमेशन अगर आपने ऑटोमेट किया है चीजों को और क्वालिटी गिर गई फिफ्टी परसेंट क्वालिटी हो गई पहले से क्वालिटी हो गई देन यू आर नॉट डूइंग द राइट ऑटोमेशन ऑटोमेशन मीन रिड्यूसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑटोमेशन मीन सेविंग टाइम ऑटोमेशन मीस अवॉइडिंग रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट कैन बी डन बेटर बाय मशीन कीप ऑन इनोवेटिंग एंड इंप्रूविंग देयर that's so the power of automation. But entrepreneurs scale yeah, ye, is important hai. because they keep on automating, because they have to grow the company, they have to scale the company. Okay. Okay. Now some more deeper, nice qualities. So the personal growth related to qualities. Hai, wo kaafi humne cover there may be some more. We'll see. If not, we are mostly touching upon the qualities that are business qualities or leadership executive related qualities, business related qualities needed. In entrepreneurs, how they should own these, how they should master these. Okay, customer focus. So, this goes without saying. Customers are the heart of a company, right? Heartbeat of a company. If there is no customer, if there is no sales, then nothing will go right or nothing will happen. Nothing happens until a sale is made. This quote we have read, sales session. Entrepreneurs understand their customers' needs and desires.

तो लीडर्स को ये फोकस होता है कस्टमर्स का फोकस रखने से क्या होता है आप कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स बनाते हो सो एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स नीड्स तो मेरे कस्टमर कौन से हैं हमारी कंपनी किन मार्केट्स को फोकस करती है क्या उनके नीड्स तो ये सब चीजें एक एंटरप्रेनर समझता है और नहीं समझता है तो वो फाइंड करता है ही और शी विल रन सर्वेज विल रन कस्टमर डिस्कवरीज विल रन पायलट्स विल गो इन द फील्ड

कस्टमाइज करो तुमको जो बेचना है वो मत बेचो कस्टमर्स को क्या चाहिए वो वो ओके ओके दिस इज कस्टमर फोकस फैक्ट फैक्ट चेक तो चेकिंग का मतलब होता है अपने फैक्ट्स वैलिडेट कर लेना एंट्रप्रीनरशिप के साथ क्या संबंध है इसका कोई बोलेगा ये तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो गया पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है ये पब्लिक स्पीकिंग में तो करना ही चाहिए फैक्ट चेकिंग बट आप जो ब्लॉग्स लिखते हो आर्टिकल्स लिखते हो मार्केटिंग फैक्ट्स लिखते हो यू नो मार्केटिंग कॉपीज सेल्स कॉपीज कस्टमर्स को जो बताते हो फैक्ट्स

ट मी रीड दीज पॉइंट्स दे कंटिन्यूसली लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव देयर ऑटोमेटिक प्रोसेस तो यहाँ पे ऑटोमेशन का क्यों चीज आ गई ऑटोमेशन यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि वेरी बोरिंग टास्क है तो फैक्ट चेकिंग को भी ऑटोमेशन हो सकता है आप प्रोसेस ही ऐसा बनाओ कि आप दस जगह से डेटा ले रहे हो ना उस दस जगह का नाम मैंशन करो तो उसमें पहले ही लिख दो ये क्रेडिट्स लिखो यहाँ पर है नाम देखते हैं मूवीज में भी देखते हैं क्रेडिट्स दिया रहता है इमेजेस के लिए इसके लिए उसके लिए कट्स दिए रहते हैं नाम दिया रहता है सिमिलरली इट्स अ गुड हैबिट टू कीप यस रेडी

People, they don't have enough money. They don't have enough budgets. They don't have enough contacts. They don't have enough customers also. <laughs> customers to, hi nahi hai. Zero hoti hai. Ha na? to start a company or to start a project or under task or undertake some project, it typically starts with zero boundaries. You need to be having creative mindset. You need to have innovative mindset. So creative thinking is a very, very important quality for new age entrepreneurs. It is also a quality for good thinkers and people who want to grow as leaders.

quality It's a combination of all of these things. You know, entrepreneurs need to think fast. They need to take quick decisions. They need to think with a multiplier mindset. jitna hai usse kaise kiya ja sakta hai है no? ना? Okay, so going towards the other qualities, risk taking. to ye dekho ye common hai ये काफी लोगों को समझ में आएगा जल्दी. क्यों समझ में आएगा? क्योंकि entrepreneurship का synonym ही है risk taking. कई लोगों को लगता है business खोलना मतलब risk. Entrepreneurship करना या नहीं risk. Yes, it is true in a way. So if you see risk taking is one quality essential for innovators, entrepreneurs. risk. So, It's a very tough challenge. Then there is the risk of you know, losing your credibility in the market. There is the risk of losing your job because most of the time, founding entrepreneurs have to lose their job, have to quit their job and start their new careers, have to start entrepreneurship. So risk to involve risk taking is going to be there. So don't be shy away, don't be shying away from risk taking. But yes, learn to manage well. ऐसा नहीं कहा जा रहा आपसे कि अठारह घंटे ही काम करो और फैमिली को एक साल टाइम मत दो अगर आप एंटरप्रेनर हो तो बट ये कहा जा रहा है कि फैमिली टाइम को भी मैनेज करो बट ये पकड़ के चलो आप कि रिस्क रहेगा इतना ठीक है सो लेट्स सी इज हियर एंटरप्रेनर्स अंडरस्टैंड दैट इनोवेशन एंड ग्रोथ इन्वॉल्व स्टेपिंग आउट ऑफ देयर जोन सबसे बड़ा रिस्क तो ये भी होता है कि हम अपने कम्फर्ट में रहना चाहते हैं हम अपने जॉब्स के कम्फर्ट में होते हैं हम अपने फैमिली के कम्फर्ट में होते हैं हम अपने सिटी के एरिया के सोचने के तरीकों के माइंड के तरीकों के जैसे जो जै जो भी हमारा रूटीन है लाइफ है जॉब है बिजनेस है उसके कंफर्ट्स में ही हम रहना चाहते हैं एंट्रप्रनरशिप मीन स्टेपिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट्स हो तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा आपको नए लोगों से बात करना पड़ेगा आपको पैसा अपना सेविंग इसमें डालना पड़ेगा आपको उधार लेना पड़ेगा लोगों से लोन लेना पड़ेगा कमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट सक्सेस करके दिखाना पड़ेगा टफ एरियाज टफ मार्केट्स को क्रैक करना पड़ेगा नए चार्टर्स में जाना पड़ेगा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन सो दिस रिस्क टेकिंग इज अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स क्यों इतने सारे वेंचर्स फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओनली

एक्सपेरिमेंट करते रहना नई नई चीजों को ट्राई करते रहना नए नए ऑफर्स नए नए प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट ट्रेंड्स नए कस्टमर्स नए वेज ऑफ प्रेजेंटिंग तो देखो एक्सपेरिमेंटिंग इज अ वेरी वेरी बिग टर्म बड़ा अम्ब्रेला क्रिएटिव टर्म ही है ये एक्सपेरिमेंटिंग का मतलब भी क्रिएटिविटी आ जाता है इसमें तो एक्सपेरिमेंटिंग क्रिएटिविटी से भी बड़ा अम्ब्रेला है ठीक है इन वन वे एक्सपेरिमेंटिंग अम्ब्रेला के अंडर क्रिएटिविटी आ जाती है एक्सपेरिमेंटिंग अम्ब्रेला के अंडर और बहुत कुछ आ जाता है एक्सपेरिमेंट करना सब चीजें ट्राई करना you know what will work what will not what should i do more of less of yes ms last night. okay staying curious let me read these points entrepreneurs stay curious and committed to learning okay have a mindset of continuous experimentation and exploration. be flexible continuous learning and improvement So, a point self-explanatory entrepreneurs need to be exploring all the time you cannot just sit happily Look, and as an entrepreneur be business Your business successful hai

क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेनर्स स्टे क्यूरियस बी क्यूरियस ऑलवेज एंड कमिटेड टू लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेनर्स ओके डिसीजन मेकिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना डिसीजन मेकिंग पे हमने बात की है डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने पड़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेनर्स के लिए दे कीप टेकिंग डिसीजन दे नीड टू बी एबल टू टेक गुड डिसीजन तो गुड डिसीजन कैसे लोगे एक बार में ले लोगे क्या गुड <laughs> डिसीजन भी बाकी स्किल्स की तरह है ये लेते लेते आएगा आप गुड <laughs> डिसीजन और बैडीजन भी ले लेकर ही सीखोगे तो कई डिसीजन लोगे जो बैड होंगे फिर उसमें से लर्न करोगे फिर धीरे धीरे यू नो लिटिल आर्ट ऑफ गुड डिसीजन making. गुड डिसीजन मेकिंग सिर्फ यस और नो बोलना नहीं होता है गुड डिसीजन मेकिंग इज अबाउट एनालाइजिंग decision गुड डिसीजन मेकिंग इज fast, मूविंग फास्ट लुकिंग एट द there एंड obviously आर of टेक्निक्स also.

ये आंख बंद करके नहीं लिया जा रहा है ये अनोनिमस डिसीजन नहीं है ये डिक्टेटर डिसीजन नहीं है सिंगल डिसीजन मेकर नहीं है आर अदर पीपल दैट इज डिसीजन चॉइस अन इन्फॉर्म चॉइस है जो इंपल्सिव है फास्ट है या फिर टाइम बेस्ड पे लीडर को लेना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉसिबिलिटी मीन्स आपका जो काम है टास्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और मतलब होता है रिस्पॉस एबिलिटी तो रिस्पॉसिबल लोग क्रिएटिव सिटीजन होते हैं प्रो एक्टिविटी में भी हमने सीखा था हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये सीखा था रिस्पांसिबिलिटी मीन

ऐसा होता है ना कि लीडर एक्शन लेगा और बाद में गलत रिजल्ट आ गया तो नहीं नहीं मैंने नहीं बोला था इसने बोला था. <laughs> या गलत आउटकम आ गया तो तो फिर वो लीडर भाग जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं होता अकाउंटेबल विल स्टैंड अप अप फॉर फॉर देयर स्टैंड अपॉर आउटकम्स नो मैटर वॉट दी रिजल्ट वो अपने ऊपर ओनरशिप लेंगे ठीक है टेक कंप्लीट ओनरशिप सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन क्लियर एक्सपेक्टेशन रखना भी जरूरी है क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है तो अकाउंट चीजें पूरी नहीं होंगी एक्सपेक्टेशन आर क्लियर क्रिएटिंग फीडबैक इज एनकरेज तो वो अथॉरिटेटिव माइंडसेट नहीं रखते हैं ना कोई फीडबैक किसी को दे सके ले सके इट मीन टेकिंग कम्प्लीट ओनरशिप जो भी अकाउंटेबल है वो ओनरशिप देता है एग्जीक्यूशन माइंड सेट बहुत जरूरी है

काम करने की आदत कम होती है कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो बातें ज्यादा करते हैं करते हैं लेकिन द आइडिया तो कम सक्सेस मिलेगी लेकिन लो तो सही जीरो नहीं कर सकते आप आप इसको अगर नॉट टेकिंग एनी एक्शन एट ऑल इवन मूव एनी वे करिए फॉर गेट विल नॉट इवन ग्रो एज अ गुड टीम सो एक्शन एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग का इसका synonym होता है। इंड इनविटेबली कैरी यू टू सक्सेस ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सो यूनिवर्स फेवर्स एक्शन तो जब आप एक्शन लेते हैं तो आप कर हैं momentum, ट्रिगर कर देते हैं ऐसा मोमेंटम यूनिवर्स में ऐसा प्रोसेस ट्रिगर कर देते हैं जिससे सारी थिंग्स अट्रैक्ट होने लगती है आपकी तरफ टू कैरी यू टू सक्सेस बट दिस ओनलीस वेन यू टेक एक्शन इट विल नेवर है

हेल्दी नहीं बताया जाता तो यूनिवर्सल लॉ इज द माइंड अंडरस्टैंड द वर्ड नो जितना बोलोगे खंबे से नहीं टकराऊंगा खंबे से ही <laughs> जाके हम टकर क्यों क्योंकि माइंड नो पिक्चर नहीं कर पाता है वो यह समझता है उसको <laughs> तो अफर्मेटिव लैंग्वेज में खुद को बोलना है लेकिन ये प्रिंसिपल किसी को पता नहीं है ये पेरेंट्स को भी पता नहीं है। तो फेलिंग का वर्ड फेलिंग का मीनिंग गलत हो गया इस वजह से एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई हमारे दिमाग में ना कि फेलियर गलत है हम समझने के लिए समझते हैं और अभी बोलने के लिए हम बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गहरी कंडीशनिंग क्या है फेलियर इज नॉट एक्सेप्टेबल फेल को बैड माना गया है आज तक तो आज हम ये डिबंक कर रहे हैं मित्र यहाँ पे एंटरप्रीनरशिप के लिए नहीं लाइफ के लिए भी इस इसमें तो हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना तो फेलिंग फॉरवर्ड का प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है फेलियर आपको फॉरवर्ड ले जाने के लिए है जैसे हमने अभी डिस्कस किया फेलियर मीन्स टू टेक यू फॉरवर्ड डोंट फॉल बैकवर्ड सक्सेस रेयरली कम्सर नाइट एंट्रप्रन परस थ्रू टफ टाइम्स एंड सेटबैक्स ये क्यों बताया जा रहा है फेलिंग का प्रिंसिपल भी देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिटीज हम जितने पढ़े हैं ना वो सभी के लिए ही एक्चुअली पूरे लाइफ के लिए जरूरी है एंटरप्रनर बनने के लिए तो डेफिनेटली जरूरी है क्योंकि को जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम नाइन एस वो वन आएगा तो इफ यू आर नॉट रेडी टू फेल फॉरवर्ड या आपको कंडीशनिंग वो जो ठीक है जो डीपनिंग वॉइस है आपके चारों तरफ ये मत करो वो मत करो वाली जो वॉइस है वो खींच लेंगे आपको वो नीचे गिरा देंगे तो आपको ध्यान न देना सीखना होगा बहरे की तरह हम सुन पाए उन आवाजों को जो हमें नीचे खींचती है जो फेलियर तो गलत आती है फेलियर गलत है ही नहीं फेलियर के बिना देर इज नो सक्सेस एंड फेलियर वर्ड भी गलत है अपॉर्चुनिटी इज द राइट वर्ड ओके सक्सेस विल नॉट कम ओवर नाइट रोम है ना रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था सिमिलरली सक्सेस एक दिन में नहीं आती है लर्न द आर्ट ऑफ फेलिंग तो फेलियर को को देखने का नजरिया ही हमें बदलना होगा अंदर जाकर ही अप्रूव करना होगा उन थॉट्स को जो हमें फेलियर को गलत करके पेंट करते हैं फेलियर मतलब हंसी आनी चाहिए फेलियर मतलब खुशी होनी चाहिए मेक एवरी फेलियर अ स्टेपिंग स्टोन तो ये भी देखो बोलने के लिए तो सुनने के लिए अच्छी लगती है सब चीजें लेकिन हम कहाँ स्टेपिंग स्टोन बना चाहते हैं बना पाते हैं हमारे हमें तो लगता है मेरे रास्ते का पत्थर है ये मेरी तो मेरा ये मेरे घर से निकलता हूँ और या घर से निकलती हूँ और ये मेरे रास्ते में फंदे डालने के लिए बैठे हैं पत्थर पेकने के लिए लोग बैठे इस तरह का माइंड आता है हमें जब कोई हमारे रास्ते में पत्थर डाल है ना तो इस तरह की फीलिंग आती है द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पीपल एंड अचीविंग पीपल इज देयर परसेप्शन ऑफ फेलियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझो इसको तो फेलियर को आप कैसे लेते हो अपनी लाइफ में फेलियर को कितने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का टूल करके आप लेते हैं इसी से पता चलता है कि आप एवरेज हो या अचीविंग पर्सन आप सक्सेसफुल लेवल पे जाओगे या नहीं जाओगे ये आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स फेलियर ही बताता है लेट्स फिनिश दिस सेशन विद अ ब्यूटीफुल अनदर ब्यूटीफुल कोट फॉर यू एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वोंट सो दैट यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइक मोस्ट पीपल का तो इसका मतलब है कि कुछ साल अपनी लाइफ को दांव पे लगाते हैं इतनी मेहनत करते हैं जो मोस्ट पीपल नहीं करते रूल को भी कह सकते हो आप इसको एवरेज लेन एंटरप्रीनर्स दे वॉक इन लेन तो वो कुछ सालों को, uh, सालों को अपने लाइफ के इन्वेस्ट करते हैं इतनी मेहनत करते हैं जितनी कोई नहीं करता है और फिर कुछ आगे के सालों को वो इतना अच्छा बना लेते हैं कि जितना आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता दिस इज द ऑल्सो द पावर ऑफ इंटरप्रैशन ब्यूटिफुल टू इन सेशन